And what would Khushi do? Khushi would send a really long apology text. हाँ खुशी, तुम एक apology text लिखो, लेकिन while you are at it, इस picture में तुम्हारी acting को judge करते हुए, वो apology text नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए apology निबंध, जो इतना लंबा होना चाहिए कि उसमें से एक script produce करने को मिल जाए बोनी कपूर को, और एक role act out करने को मिल जाए तुम्हारी बहन जाह्नवी कपूर को. युवराज would not care. This guy Yuvraj Mehta plays the role of Dilton Dolly in the film, और वो एक gay character है, which is absolutely fine by me. But कोई आर्चीज का fan ये बात reconfirm कर सकता है कि क्या Dilton Dolly original comic में एक straight लड़का नहीं था जिसके love interest थे Cherry Blossom and Danny Malloy? तो क्या वो crowd को appeal करने के लिए, fake virtue signaling करने के लिए original characters को rewrite करना जरूरी है? हाय गाइस, मैं उछाल तनु, और क्या तुमने कभी सोचा था कि 14 से 17 साल के साउथ बॉम्बे के बच्चे जो इंडिया के अलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं और फिर दुनिया की अलीट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और उनसे जब हिंदी में बात करी जाए तो या तो वो बोलते हैं यू हिंदी में बात करता, या तो फिर ये बोलते कि यू हमारे को हिंदी नहीं आता. उनके लिए एक कभी पिक्चर बनेगी, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो बन गई. क्या तुमने कभी सोचा था कि ओरी को एंटरटेन करने के लिए एक पिक्चर बनाई जाएगी? मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो बन गई. और क्या तुमने कभी सोचा था कि बहुत पावरफुल फिल्म फैमिलीज के 3-4 नेपो किड्स इकट्ठे होकर आपस में इंग्लिश में ये बात करेंगे? ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही बात होनी चाहिए, क्योंकि या दिस फिल्म लुक्स गुड, या वी शुड, दिस शुड बी आवर लॉन्च, या 4-5 बार या करके एक ही इको चैंबर में उनके लिए एक पिक्चर बना दी जाएगी. मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो पिक्चर बना दी गई है. या क्या है हम में से किसी ने कुछ नहीं. तो बस आज रिव्यू करेंगे इसी नेपो किड रूफटॉप पार्टी को, विच एंटायरली बुचर्स द फील ऑफ द ओरिजिनल आर्चीज कॉमिक बुक इन द नेम ऑफ मेकिंग एन इंडियन अडैप्टेशन. ऑनेस्टली सेइंग, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक और सिंपल से फैक्ट से, और जिन लोगों ने आर्चीज ओरिजिनल कॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा दैट आर्चीज और उसके पूरी की पूरी दुनिया द एंटायर यूनिवर्स इज आउट एन अमेरिकन शो. तो जो ट्रेलर में हम लोगों ने देखा था और जिस लुक को देखने के बाद काफी आउटरेज भी हुआ था कि भैया ये बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड लुक लग रहा है, ये कहीं से भी एक हिंदी पिक्चर नहीं लग रही, कहीं से भी इंडियन किड्स नहीं लग रहे हैं ये, उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने अडैप्टेशन के दौरान करा क्या, इन्होंने एक वेस्टर्न बैकग्राउंड देने के लिए पूरी कहानी को एंग्लो इंडियंस की तरह पोर्ट्रे किया है सारे के सारे कास्ट को पिक्चर में. बोलना मत, अब तो लंदन में नहीं रिवरडेल में हो. रिवरडेल को भी याद रखना चाहिए ना कि वेरोनिका इज बैक, व्हिच इज कंप्लीटली फाइन. ये क्रिएटिव लिबर्टी है, तुमने अडैप्ट करा उस कॉमिक को और तुमने सबको दे दिया एक एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड, बट एट लीस्ट मेक सम एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ एन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी फंक्शंस. एंग्लो इंडियंस का सिंपल सा ये मतलब है कि हाफ ब्रिटिश हाफ इंडियन, दीज आर द सेम पीपल जो पार्टीशन के बाद यहां रुक गए थे. इसका मतलब उनकी जो कम्युनिटीज हैं वो यहाँ पर रहते हुए इंडियन कल्चर में इवॉल्व हुई हैं. उनके हाउसहोल्ड्स में इंग्लिश बोली जाती है, क्रिसमस मनाया जाता है, अदर वेस्टर्न ट्रेडिशंस को फॉलो करा जाता है, तो उनके हाउसहोल्ड में हिंदी भी बोली जाती है. बट द ओनली थिंग इंडियन दैट यू वुड वॉच इन दिस फिल्म इज द टूटी फूटी हिंदी जो इसकी कास्ट बोल रही है, दैट्स अबाउट इट. अगर हमने आज ये पार्क जाने दिया तो कल और भी जाएंगे, ट्रस्ट मी, एक पेड़ भी नहीं बचेगा. अडैप्टेशन है, बट ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडैप्टेशन है ना, लेकिन व्हेन यू लुक एट द फिल्म इट लुक्स लाइक द एंटायर फिल्म हैज बीन शॉट इन अ लंदन कंट्रीसाइड. एंग्लो इंडियन बोल के इन्होंने करा क्या, 95% ऑफ द फिल्म को एक बहुत ही हार्डकोर वेस्टर्न लुक दे दिया, लगती ही नहीं है एक इंडियन फिल्म है, विच इज ऑल्सो फाइन. बट अगर तुम्हारे को 95% पिक्चर वेस्टर्न उसके हिसाब से ही बनानी है, देन वाई आर यू कॉलिंग दिस अडैप्टेशन एन इंडियन अडैप्टेशन व्हेन इट हैज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इंडियन टू इट. इंडिया ने गोवा को पोर्चुगीज रूल से आजाद करवाया एंड साउथ अफ्रीका बिकेम एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक. और फिर आगे पिक्चर में ये कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एंग्लो इंडियंस, हाउ एंग्लो इंडियंस ड्रेस अप एंड हाउ अमेरिकनाइज्ड द एंग्लो इंडियंस वर. एक कैफे दिखाया जाएगा तुम्हारे को जो स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो एक अमेरिकन डाइनर लगता है. फिर बहुत सारे गेटअप्स हैं जो कास्ट के, वो आउट एंड आउट अमेरिकन लगते हैं, एंग्लो इंडियंस ड्रेस अप स्टाइल नहीं लगते हैं. फिल्म है इंडियन अडैप्टेशन, फिल्म की कहानी है एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड की, और जो आर्चीज की ओरिजिनल कॉमिक की कहानी है वो है अमेरिकन. अब ये सारी की सारी खिचड़ी ने बना दी और एक खुद ही कंफ्यूज हो गए कि भैया हमने बनाया क्या है. हाँ, एक चीज नो डाउट इस पिक्चर में बहुत अच्छी है और वो है इस पिक्चर का लुक. पिक्चर दिखती बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, कॉस्ट्यूम डिजाइन जो 60s का इन्होंने एंग्लो इंडियन कल्चर क्रिएट किया है वो काफी अच्छा दिखता है. अदर देन दैट दिस फिल्म हैज नथिंग टू ऑफर. हर चीज प्रॉफिट के बारे में नहीं हो सकती,
For some people, there's more to life. The funniest thing is कि जो पिक्चर की कोर कास्ट है, जो आर्चीज का पूरा गैंग है, उनमें से एक बंदे को भी फूटी एक्टिंग नहीं करनी आती और बाकी जितनी सपोर्टिंग कास्ट में सारे मंजे हुए कलाकार हैं। आधी से ज्यादा पिक्चर में वेरोनिका का रोल दे तो दिया है सुहाना खान को, लेकिन सुहाना खान लुक्स नॉट ओनली क्रिंज बट ऑल्सो वेरी वेरी कैमरा कॉन्शियस। चलो एक बारी के लिए ये भी मान लिया दैट शी इज वेरी न्यू इनटू द इंडस्ट्री और एसआरके की बेटी होने का पीयर प्रेशर भी है, बट कैन यू रियली डिस्काउंट दिस फैक्ट दैट एट हर डिस्पोजल दुनिया के बेस्ट एक्टिंग कोचेस होंगे। सो माय फ्रेंड्स हेट मी बिकॉज़ ऑफ यू, सो आई एम सॉरी बट इट इज पर्सनल। कपूर को जो हिंदी डायलॉग्स दिए गए हैं पिक्चर के अंदर, वो इतने चरमराए हुए तरीके से हिंदी बोलती है, दैट इज नॉट बिकॉज कि उसका एंग्लो इंडियन कैरेक्टर है, दैट इज बिकॉज कि वो रियल लाइफ में भी चरमराई हुई हिंदी ही बोलती है। कोई भी प्रमोशनल इसका उठा के देख लो तुम, प्रमोशनल इंटरव्यू इस फिल्म का, एक भी कास्ट मेंबर 5 मिनट से ज्यादा, इनफैक्ट 5 मिनट भी मैं तुम्हारे को बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हिंदी में कहीं पे कन्वर्स कर ही नहीं रहा है। बोलना मत, अब तुम लंदन में नहीं रिवरडेल में हो। 2.5 घंटा इस पिक्चर को देखे ना अपने बाल ही खींचोगे तुम। तुम्हारे को एक बढ़िया अल्टरनेटिव देता हूँ, पीजे एक्सप्लेन के साथ ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट में मैं इस बार बैठा और हमने दिया द मोस्ट टॉक्सिक रिव्यू ऑफ व्हाट ऑफ एनिमल ऑफ कोर्स। ये देखो टीजर और जाके ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर। अरे 1920 आया था वो बहन, कम से कम यार हीरोइन तो सेक्सी कर लिए होते, भूत डाल दिए होते सेक्सी, मैं देखने चला गया होता। आज तक कनाडा में पठान और जवान तक का हाउसफुल नहीं देखा। एनिमल की टिकट मैंने यहाँ पे खरीदी है एक बंदे से रीसेल, ब्लैक में खरीदी है मैंने टिकट, जस्ट इन केस अगर कोई बंदी बोल नहीं मेरा बॉयफ्रेंड अलाउ नहीं करे। फिर आप देखो क्या कंट्रोलिंग बंदा है, कितना टॉक्सिक इंसान है, बाकी के कोई ऑफेंड हो गया हो तो। अगस्त्य नंदा नो डाउट लुक्स वेरी हैंडसम, बट वही बात है यार, नॉट वन ऑफ देम हैज शोन एनी एक्टिंग पोटेंशियल इन द फिल्म। या तो पिक्चर की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खराब है कि इनका एक्टिंग पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आया, किसी को दिखेगा नहीं, या तो फिर दूसरी चीज एक ही हो सकती है दैट दे थिंक दैट दे आर एंटाइटल्ड और लोग इस पिक्चर को देख ही लेंगे क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे है एंड वी बिलोंग टू रियली पावरफुल फैमिलीज। और कोई मुझे इस चीज के पीछे लॉजिक एक्सप्लेन करेगा कि डिल्टन डॉली के कैरेक्टर को गे क्यों बना दिया गया है? नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट एंड नॉट दैट एनीबॉडी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इट, लेकिन अगर ओरिजिनल कैरेक्टर्स को उनकी ओरिजिनलिटी रिटेन तुम करा के रखोगे तो क्या चला जाएगा? क्यों ये फेक वर्चुअल सिग्नलिंग करते हो? अगर कैरेक्टर ऐसा कोई था कॉमिक के अंदर देन ठीक है, उसको वैसे रिप्राइज करो, बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। कहानी की बात करी जाए तो आर्चीज की जो कहानी थी ज्यादातर आर्चीज एंड गैंग मिस्ट्री सॉल्व करा करता था, पर यहां पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरी की पूरी कहानी पहले तो ट्रेलर में रिवील कर दी थी, अब पिक्चर के 10 मिनट में तुम्हें कहानी पता चल जाएगी कि भैया ग्रीन पार्क के बीच में कोई होटल बनाना चाहता है, होटल बनाने वाला वेरोनिका का बाप होगा, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो देयर इज नथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द स्टोरी ऑफ द फिल्म। नाउ वी कमेंस द वोटिंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ ग्रैंड होटल ऑन द लैंड व्हिच इज नाउ ग्रीन पार्क। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पिक्चर इस इंटेंशन से बनी ही नहीं थी कि पिक्चर का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन से बनी थी और वो इंटेंशन ये है कि एक एलीट दिखने वाला, एक प्रीमियम दिखने वाला लॉन्च पैड प्रोवाइड करा जाए जेन जी नेपो किड्स को। लिटरली हायरार्की के हिसाब से रोल बांटे गए हैं, ना कि टैलेंट के बेस पे रोल बांटे गए हैं। अगर इस फिल्म में से तुम नेपो किड्स को निकाल लो और नेपो किड्स की फैमिलीज की बैकिंग को निकाल लो तो ये पिक्चर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कभी बनती ही नहीं। ऑन पेपर एग्जीक्यूशन तो छोड़ दो, सेट लगाना तो छोड़ दो, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती ऑन पेपर। और अगर गलती से हो भी जाती तो कोई ओटीटी बड़ा प्लेटफॉर्म इसको बनाता नहीं या फिर इसको खरीदता नहीं, और अगर खरीद भी लेता तो अमेज़न मिनी टीवी जैसे सेकेंडरी किसी ओटीटी पे आती है। पहले इन्होंने आर्चीज उठाई एक ऐसी कॉमिक जिसकी पेनिट्रेशन इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस में हमेशा से ज्यादा रही है। आगे बढ़े ये इन्होंने इस पिक्चर की जो कोर कास्ट है वो सारे के सारे टॉप फिल्म फैमिली के नेपो किड्स को दे दी जिनको एक्टिंग के बेसिस पे ये रोल नहीं मिले, और फिर ये और चौड़े होके आगे बढ़े और इन्होंने जीरो मेहनत करी स्टोरी टेलिंग पे, क्योंकि पिक्चर की कहानी कुछ है ही नहीं, तुम्हारे को देख के पिक्चर की कहानी मजा ही नहीं आएगा। इससे ज्यादा ऑब्वियस चीज क्या हो सकती है कि ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर एक लॉन्च पैड है। अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जोया अख्तर एक काफी अच्छी डायरेक्टर है, बट द फैक्ट रिमेंस कि उनकी हर पिक्चर में, ऑलमोस्ट हर पिक्चर में एक एलिटिज्म का टच होता है, एक ऐसा मैसेज था लगता है उसको देखने के बाद दैट यू कैन नॉट सिट विद अस, एंड द सेम एलिटिज्म, द सेम इरिटेटिंग मैसेज कैरीज ऑन इन दिस फिल्म एज वेल। यहां बात यह नहीं है कि कहानी कितनी रिलेटेबल है, ये एक कॉमिक बुक पे बेस्ड है तो कहानी फिक्शनल होगी, रिलेटेबिलिटी के लिए कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन बात यह है कि लोग एटलीस्ट वर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर तुमने एक इंडियन अडैप्टेशन बनाई है तो वो कहीं से लिटिल बिट तो इंडियन लगे, उसमें कुछ तो ऐसा हो जो हमें लगे कि हाँ भैया ये इंडिया का वर्जन है आर्चीज का। देयर इज नथिंग लाइक इट इन द स्टोरी। तो भैया आखिरी में मैं
यही कहना चाहूंगा यार, ये फिल्म नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि इफ यू कम फ्रॉम पावरफुल बैकग्राउंड तुम कितना आगे जा सकते हो, तुम्हारा लॉन्च पैड कितना लैविश, कितना बड़ा हो सकता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस टाइम इसके प्रीमियर में आई है। अगर यही कोई स्ट्रगलर्स होते इस पिक्चर के अंदर, कोई नहीं आता इसके प्रीमियर पे, वो बेचारे खुद ही पहुंचे होते। एंड देन अगेन, अगर तुम आर्ची के फैन भी हो तो दिस इज नॉट बाउंड टू इंप्रेस यू, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी आर्ची पढ़ी है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है पिक्चर के अंदर। आई डोंट नो व्हाट दिस वॉज। अब हम मिलते हैं फाइटर के टीजर या ट्रेलर में, जो भी अब रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए माओ मिया लजाने पप्पी, बाय बाय।